इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, यानी एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो एंड वाई एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। यानी कि उस तरह के कौन सा इक्वेशन होगा, किस लाइन का इक्वेशन होगा जो एक्सिस के पैरेलल होगा, और किस लाइन का इक्वेशन होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो हम दोनों फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो याद रख लिखिए, देखो जी, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, इसे याद रखना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू के, इक्वेशन है वाई इक्वल टू के। एक मिनट, वाई इक्वल टू के, फिर के क्या नंबर, रियल नंबर कॉन्स्टेंट, वेर के इज रियल नंबर, दैट इज लिख सकते इन अदर वर्ड्स के इज कॉन्स्टेंट। जो रियल नंबर होता है क्या कॉन्स्टेंट होता है। ओके, टू वी फाइंड आउट, जैसे हम के की वैल्यू इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, देन के की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नहीं समझो, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो उसमें क्या होगा, और एक्स का टर्म नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है बट इसमें एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है, है ना। अगर एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन में एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ, देखो एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं, समझ जाओगे, देन आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज करो एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, यानी इस तरह से देखो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ये लाइन ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो इसी के इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू के, यानी इसका मतलब हो गया कि जहाँ पे वाई एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है, यहाँ पे जो नंबर होगा के होगा, क्या होगा, के होगा, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस के है, के है, इसका मतलब ये हो गया। तो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो देन जो उसका इक्वेशन होगा, उसके इक्वेशन में एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा बस, यानी वाई का टर्म होगा और कॉन्स्टेंट टर्म होगा। ओके, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, के को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो प्लस एक माइनस हो जाएगा, वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, तो याद रखिए जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एक्स का कोएफिशिएंट वहाँ जीरो होगा। आइए जैसे रहेगा, एग्जांपल और ले लो, जैसे रहेगा बताओ वाई इक्वल टू टू, के की जब हमने टू लिख दिया, वाई इक्वल टू इसका लाइन ड्रॉ करना है, तब जो क्या होगा, ये लाइन जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो उसमें एक्स का टर्म है नहीं है प्रेजेंट। ओके, तो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस है, ओके, एक्स एक्सिस है,
ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये मान 1, 2, 3 -1, -2, 1, 2, 3, -1, -2। देखो बच्चे y इक्वल टू है, देखो y एक्सिस पर 2 कहाँ पे है, y एक्सिस पर 2 कहाँ, यहाँ पे है, यही ना। इसका मतलब इसी पॉइंट से एक लाइन जाएगी जाएगी हॉरिजॉन्टल, क्या जाएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, x एक्सिस के पैरेलल हो, इसी पॉइंट 2 की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिया, यही लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू है, ठीक है। एक्चुअली देखो इसमें दो वेरिएबल तो है, दिख नहीं रहा है, बट दोनों दो वेरिएबल को दिखाना चाहोगे ऐसे दिखा सकते हैं। इसमें x का टर्म नहीं है, x का कोएफिशिएंट 0 ले सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 2 को यहाँ लेफ्ट साइड ले जाओ तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 = 0। ये इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सर ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी दोगे, देखो बच्चे यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी दोगे तो क्या आएगा, हमें 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ही आएगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, वाई की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज क्या होता है, एक्स इक्वल टू के, ये होता है, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस के इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड ले जाओ प्लस है माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये इक्वेशन हो गया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, एक्स का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। के क्या कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट, यानी कोई रियल नंबर है, ओके। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा, देख लो। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या आपका ओरिजिन है, मान लो ये, मान लो यहाँ के है, एक्स एक्स पे यहाँ पे के है, एक्स पर एक्स के है ना, एक्स एक्स मान लो यहाँ के है, तो इस पॉइंट के होकर एक लाइन जाएगा जो वर्टिकली होगा, वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे जाएगा, यही लाइन है, जो किसका लाइन है, एक्स इक्वल टू के का लाइन है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमेशा के आएगा, हमेशा क्या आएगा पैरेलल है तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या के है, तो 0 यहाँ के है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, के है, इसलिए वाई एक्स का वैल्यू क्या है, ऑलवेज के है। वाई वैल्यू कुछ भी लो तो एक्स हमेशा के आएगा, के है, ओके। तो ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जिसको एग्जांपल ले लो, जैसे आपको एक्स इक्वल टू है 3, एक्स इक्वल टू क्या है 3 है, इसका कहता है ग्राफ ड्रा करो एक्स इक्वल टू 3 का। तो चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ तो वाई हाई नहीं, तो इसका मतलब वाई कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर ये टू वेरिएबल की तरह इसे ट्रीट करेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई, नहीं तो वाई कोएफिशिएंट 0 ले लो इक्वल टू 3। अब तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ऐसे करो एक्स एक्स पे देखो 3 कहाँ है, उसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, या जैसे हमने बताया कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ भी दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो, जैसे दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो। अब देखो बच्चे
ऐसा करो y वैल्यू जिसका कोएफिशिएंट जीरो है उसका वैल्यू लो पहले, तो y वैल्यू क्या लोगे, y वैल्यू आप जीरो ले लो, y वैल्यू जीरो ले लो, यहाँ जीरो ले लो, तो जीरो लेंगे तो क्या आएगा देखो तो x प्लस जीरो इंटू जीरो इक्वल टू थ्री, जीरो इंटू जीरो जीरो आएगा, x प्लस जीरो इक्वल टू थ्री, तो x प्लस जीरो एक्स ही आएगा ना, x का वैल्यू थ्री आ गया, यानी y अगर जीरो लेंगे तो x वैल्यू थ्री आ गया, फिर आएंगे y वैल्यू कुछ और ले लो, ओके जीरो के अलावा क्या लेते हैं, टू ले लेते हैं, थ्री कुछ भी ले सकते हो, निगेटिव भी, तब हम ऐसा करते हैं y वैल्यू हम टू ले रहे हैं, टू अगर y टू देंगे, एक मिनट यहाँ उल्टा लिखा गया, y जीरो लिया था तो एक्स थ्री हो गया, फिर आइए y वैल्यू टू ले रहे हैं, टू लेंगे तो क्या आएगा देखो तो x प्लस जीरो इंटू टू इक्वल टू थ्री, तो जीरो इंटू टू कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, क्या आएगा x प्लस जीरो इक्वल टू थ्री, तो एक्स प्लस जीरो कितना आएगा, x ही आएगा, x इक्वल टू थ्री आ गया, थ्री आ गया। अब देखो y वैल्यू कुछ भी लोगे तो हमेशा x थ्री ही आएगा, चूँकि y वैल्यू कुछ भी लो, टेन ले लो, टेन लोगे तो टेन इंटू जीरो जीरो ही आएगा, तो x वैल्यू थ्री तो आएगा, इसलिए वाई की वैल्यू कुछ भी लो, चूँकि वाई का ऑप्शन जीरो है, तो वाई की वैल्यू कुछ भी लोगे तो एक्स हमेशा थ्री ही आएगा, एक्स हमेशा थ्री आएगा। तो इक्वेशन अब देखो ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहाँ से वन टू थ्री फोर, यहाँ पर माइनस वन माइनस टू, ओके। अब देखो अब पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या बेटा, एक्स थ्री है और वाई जीरो है, तो वाई जीरो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखो थ्री कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे थ्री यहाँ पे, यही क्या हुआ आपका थ्री कोमा जीरो है। दूसरा पॉइंट थ्री कोमा टू है, एक्स थ्री है वाई टू है, तो एक्स थ्री यहाँ पे है वाई टू यहाँ पे है, तो क्या करेंगे जहाँ वाई वाई पे टू है तो टू से एक लाइन ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल, और एक्स एक्सिस पे जहाँ थ्री है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ दोनों मीट करेगा यही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा किसका, एक्स थ्री वाई टू का, एक्स थ्री वाई टू का यही पॉइंट हो जाएगा, एक्स थ्री वाई टू ये पॉइंट हो गया। अब दो पॉइंट आ गया, अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो स्केल से, एक लाइन बनेगा, ओके ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिया, यही लाइन किसका है, x इक्वल टू थ्री का लाइन है जो y एक्सिस के पैर ले लें। तब याद रखें हमेशा जब भी कोई किसी इक्वेशन में अगर y का टर्म प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वह लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर किसी भी इक्वेशन में x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वह उसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वह ग्राफ क्या होगा, अगर x का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके जैसे पहले ऊपर एग्जांपल दिया था, देखो ओके बेटे ये एग्जांपल दिया था, इसमें x का टर्म प्रेजेंट नहीं था इसलिए ये इस लाइन बना x एक्सिस के पैरेलल बना, ओके आता है बेटे। अब देखो एक्सरसाइज जो है आपका ये 3.4 है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल थ्री एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल, अगर इसे वन वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे देन इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, जब इसे टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो दिखाना है। अब देखो बच्चे अगर इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल
अगर इसे टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जीरो ले लेंगे। अगर एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसे ट्रीट करेंगे एज ए टू वेरिएबल तो इसमें वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ये। ओके, तो ड्रॉ कर लेते फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज कौन सा है, 3.4। ओके, फर्स्ट आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट क्या है, एज ए वन वेरिएबल, अगर ये वन वेरिएबल तक ट्रीट करेंगे तो क्या है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर लाइन पे एक पॉइंट को दिखाएगा ये। ठीक है, नंबर में यानी क्या दिखाएंगे, इस तरह से देखो, क्या वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल ट्रीट करेंगे इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन होगा वाई कल थ्री। तो ये देखें, नंबर लाइन ड्रॉ करो और देखो थ्री प्लॉट कर लो, देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नंबर लाइन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। तो जब भी कोई लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो देन उस केस में एक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसका एक ही सोल्यूशन होगा, उसे नंबर लाइन पर हम प्लॉट करेंगे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वैल्यू कितना है, थ्री, ये था ना, वाई इक्वल थ्री है, वाई इक्वल टू थ्री है, एक्स रहे वाई रहे नो प्रॉब्लम, वाई इक्वल थ्री। तो अब देखो नंबर लाइन पे थ्री कहाँ पे है, तो थ्री यहीं पे, यही है वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, यही वाई कर थ्री है। ठीक है, वाई कर थ्री को रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट हो गया ये। ओके, अब आप सेकेंड कर रहे हैं, अगर इसे ट्रीट करें ये टू वेरिएबल, इसको टू वेरिएबल तरह ट्रीट करेंगे सेकेंड इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल्स तो कितना वाई कॉल थ्री है, सेंस वाई कॉल थ्री है, तो इसे वाई एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, जीरो, जीरो एक्स इंटू एक्स है प्लस वाई कॉल थ्री। यार क्या हो गया,